आज हम बनाने वाले हैं सूजी रोल। इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ले ली है और इसी के नाप से अब हम इसमें दही ले लेंगे। तो आधी कटोरी हम दही ले लेंगे। देखिए इसको भी डाल देते हैं और साथ में 2 या 3 टेबल स्पून के करीब इसमें आप मैदा डाल सकते हैं और या तो आटा डाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे और इसके बाद बाकी का पानी हम बाद में डालेंगे। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तैयार कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब तक हम इसमें जीरा डाल देते हैं। ये देखिए जीरा हमारा हो गया है। तो अब हम इसमें 1 प्याज और हरी मिर्च कट करके डाल देंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाए बस इतना ही भूनेंगे। इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। बस इसमें अब हम बॉईल किए हुए आलू डाल देते हैं। देखिए इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और साथ में चाट मसाला डाल देंगे जिससे अच्छा टेस्ट आ जाए। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए तो अपना बैटर चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बैटर भी हो गया है। देखिए इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। इसमें पानी डाल देंगे। देखिए अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसको हमको इसी तरीके से बनाना है रनिंग बैटर में क्योंकि इसको हमें थाली में फैलाना है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे क्योंकि स्टफिंग में भी हमने नमक डाला हुआ है। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल लेंगे और अगर इसमें आपको थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी तो अब हमने एक थाली ले ली है। इसमें ऑयल लगा लेते हैं, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको हमें स्टीम करना है। तो बस ये अपना बैटर है, इसमें फैला लेंगे। देखिए इसमें थाली में डालेंगे और इस तरीके से पूरा हम घुमा लेंगे तो ये हमारा फैल जाएगा पूरा। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। देखिए अच्छे तरीके से फैला लेंगे। पूरी थाली में हमारा फैल जाना चाहिए, बराबर एक जैसा हो जाना चाहिए। ये देखिए फैल गया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी डाला हुआ है। ये कढ़ाई हमने ले ली है, इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और 1 कटोरी भी रख देंगे। इसके साथ में इसमें अब हम थाली रख देते हैं इस तरीके से और ये हमारी स्टीम हो जाएगी। इसको हम ढक देंगे, इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तभी हम इसको निकालेंगे। तब तक दूसरा बना लेते हैं। देखिए हमारा हो गया है। तो अब हम इसको साइड साइड से निकाल लेते हैं। देखिए ये निकल भी आसानी से जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो निकल ही जाता है। देखिए इस तरीके से आप निकालेंगे तो पूरा आसानी से आपका निकल जाएगा। ये देखिए हमारा निकल गया है। 1 सीट हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए इसको कितने अच्छे से हमारा निकल गया है और जिस तरफ से हमने इसको सेका था, धनिया वगैरह डाला था, तो उसको नीचे रख देंगे। इसको हम ऊपर कर लेंगे और इसमें अब हम या तो टोमेटो सॉस लगा लेंगे या मेयोनीज, कुछ भी आप जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो हम इसमें अभी टोमेटो सॉस लगाएंगे। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे स्पून से।
ये देखिए हमारा फैल गया। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग कर देंगे। अब देखिए इसमें ये आलू की स्टफिंग है, इसको कर लेते हैं। देखिए इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारा फैल गया है, तो अब हम इसको रोल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए हमारा रोल हो गया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम कट कर लेंगे। रोल बनके रेडी हो गया है, इसको हम कट कर लेते हैं। जितने बड़े बड़े आपको पीस चाहिए हो उतने ही आप कट कर लीजिए इसको। देखिए इस तरीके से हमारे ये कट गए हैं। देखिए सभी रोल हमारे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। और बस इसी तरीके से सभी सीट हम तैयार कर लेंगे और इसमें तड़का लगा लेंगे। अब हम इसमें तड़का भी लगाएंगे। देखिए बन गए। अब दूसरा और तैयार कर लेते हैं। अपने रोल के लिए एक तड़का बना लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें सरसों के दाने डाल देते हैं। ये हो जाएंगे तो इसमें हम थोड़े से तेल डाल देंगे और कढ़ी पत्ता डाल देते हैं। सरसों के दाने हमारे थोड़े से चटक जाने चाहिए, वो इसमें डाल देते हैं। देखिए ये देखिए अभी हमारे गर्म नहीं हुए, इसके थोड़ा सा ये पलट लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसमें ये तड़का लग जाएगा। तो हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं। और बस सभी रोल को हम पलट लेते हैं। देखिए हमारे बनके तैयार हो गए हैं और इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे। अब देखिए हमारे सूजी रोल रेडी हो गए हैं। इनको आप बिना तड़के के भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगा के थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और बस टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं, किसी के भी साथ खा सकते हैं।